कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 29 आई है, तो पहले इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए कि वर्कशीट लिख लीजिए। इंग्लिश की वर्कशीट है, नाम अपने टीचर का नाम, क्लास, क्लास के साथ सेक्शन और डेट लिख लीजिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू आर हेल्थी एंड कीप फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। डू यू नो दैट इन ऑर्डर टू स्टे हेल्थ वी शुड फॉलो हेल्थी हैबिट्स। यानी कि क्या आपको पता है कि अगर हम हेल्थी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमें हेल्थी रहने में मदद करती हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब वो आदतें क्या हैं तो देखते हैं। लिखा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे जो आपको पिक्चर दी गई है उसे ध्यानपूर्वक देखिए। इफ़ द पिक्चर शो अ हेल्थी हैबिट द कलर हैप्पी फेस विद येलो। ठीक है, यानी कि अगर वो आदत अच्छी है तो उसको आप येलो कलर से हैप्पी फेस पे करेंगे। इफ़ द पिक्चर शो अनहेल्थी हैबिट्स, यानी कि अगर आपको लगता है कि वो पिक्चर गंदी आदत दिखा रही है और अस्वस्थ हाली आदत दिखा रही है, द कलर सैड फेस विद ब्लू। फिर आपको क्या करना है, सैड फेस करना है किससे, ब्लू कलर से। डिस्कस विद योर पेरेंट्स व्हाट हेल्थी हैबिट्स दे वॉन्ट टू फॉलो यू। यानी आप बोलते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करेंगे और पूछेंगे कि वो कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए और वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिनको आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अब जैसे ये लड़की हाथ धो रही है, हमें हाथ धोना चाहिए, तो ये क्या है, वॉश हैंड। तो ये अच्छी आदत है, इसलिए हम इसे येल्लो से करेंगे, स्माइल फेस। थ्रो गार्बेज ऑन द ग्राउंड, लेकिन क्या हमें अपने कूड़े को बाहर फेंक देना चाहिए डस्टबिन से, नहीं, तो ये गलत आदत है, तो इसे बैड आदत पे हम लोग करेंगे ब्लू से। ठीक है, ईट जंक फूड, हमें जंक फूड खाना चाहिए, बाहर का बेकार बेकार खाना खाना चाहिए, नहीं, इससे हम बीमार पड़ जाएंगे अगर हम जंक फूड ज़्यादा खाएंगे तो। एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, यस, हम एक्सरसाइज करेंगे तो फिट एंड फाइन रहेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, फाइट विथ फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ दंगा करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद लिखा है स्लीप अर्ली, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी सोने से क्या होता है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक अ वेल हेल्थी वेल्दी एंड वाइज, है ना। तो क्या मतलब है कि जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है तो सारी परेशानियाँ, सारी जो प्रॉब्लम्स है वो उससे दूर रहती है। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है, यस, कि हमें जल्दी सोना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, ये पिक्चर आप नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ ये वर्ड्स लिखेंगे जो ये सेंटेंसेस दिए गए, इन्हें लिखेंगे और इनके आगे फेस बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। टॉकिंग टाइम, बात करने का समय, डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली, ये जो राइट हैंड साइड पे आपको पिक्चर दी गई है इसको ध्यानपूर्वक देखें। व्हाट डू यू थिंक दैट द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट, आपको क्या लगता है कि इस पिक्चर में जो दोनों बैठे हैं ये किस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स, यानी कि इमेजिन कीजिए और अपने डायलॉग्स खुद बनाइए। से इट लाउड आउट लाउड एंड राइट इन द योर नोटबुक, अब बोलते हैं कि इसे जोर से बोलिए और अपनी नोटबुक पे लिखिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर टू, और आप अपने बड़ों की भी मदद इसमें ले सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हो सकता है इनकी बेटी हो, ये मामा हो, ये दोनों आपस में ज्वेलरी देख रही हैं और बात कर रही हैं। तो हो सकता है ये लड़की बोल रही हो, वाओ मम्मी हाउ मेनी ज्वेलरीज आर देयर, मम्मा कितनी ढेर सारी ज्वेलरीज हैं, हाउ इट्स ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत हैं ये। तो इनकी मम्मा बोल रही है यू लाइक इट, क्या तुमको पसंद आई, है ना। तो ये भी बोल सकती है, ये भी हो सकता है कि इनकी मम्मा कह रही हो कि भाई ये ज्वेलरी मैंने तुम्हारे लिए रखी है, ये बोल रही हो वाओ मम्मा कितनी प्यारी है ये सब, है ना। तो कोई भी डायलॉग हो सकते हैं, आप अपने डायलॉग अपने आप से क्रिएट करेंगे, कुछ मैंने आपको बता दिया हेल्प के लिए। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।